हमें तो सूचना बूथ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से किसी एक नंबर पे तो कंट्रोल रूम में तो हमें दे दो, डीएम साहब को दे दो, एसडीएम है, सीओ है, थाना प्रभारी है, जिसको तुम्हें ठीक लगे उसको सूचना दो आप बैठिए। और मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी के भी दिमाग में ये बहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डाल लोग डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए तमीज से लड़िए, मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कैसे लड़ा है चुनाव, मेरे टाइम पर ये नौटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए। और जितने गांव के लोग हैं भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, आप रहोगे 5 साल प्रधान चुनोगे तुम, प्रधान होगा तुम्हारा, अगर वो शराब पिला रहा है, अगर वो किसी को धमका रहा है, अगर वो कोई भी नौटंकी कर रहा है जिसकी नीयत खराब है, क्या करेगा वो तुम्हारे काम के लिए 5 साल में? सही सही बिल्कुल जी। तो अपना दिमाग लगाइए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 साल आपके गांव में आपके काम होगा, चाहे बरात घर बने, चाहे रोड बने, स्कूल में काम हो, जो भी होने हैं आपके अपने व्यक्तिगत काम हो, तुम्हारे गांव के प्रत्याशी के कोई आज तो पैदा नहीं हुए गांव में, एक शुरू से देख रहे हो तुम कैसा है, नियत तुम्हें पता ही है, जिसकी नियत पहले साफ नहीं है बाद में कैसे हो जाएगी, जब वो बन जाएगा तब तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते उसका, आज तो फिर भी हाथ जोड़ रहा हो, बाद में तो बनने के बाद तुम क्या ही कर लोगे, अगर अभी दो पौवे के लिए तुम वोट दे दोगे अपना तो बाद में किसको कोसोगे भाई, 19 के बाद कौन पिला रहा तुम्हें, कोई पिला रहा है क्या 19 के बाद? देखो सुनो एक चीज मैं सिंपल सी बता दे रहा हूँ, जितने प्रत्याशी हैं और बाकी भी जो गांव के लोग हैं, अगर मीनू त्यागी, विक्की त्यागी और उसके परिवार का किसी ने सपोर्ट लेने का इतना सा भी प्रयास किया, चुनाव भूल जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा मैं, ये बात अपने पूरे गांव में एक आदमी को बता देना, ठीक है, उसके खानदान का मुझे कोई आदमी अगर दिख गया तो उसका तो मैं अलग से इलाज बांधूंगा ही बांधूंगा, लेकिन अगर किसी प्रत्याशी या किसी सपोर्टर ने इतने बड़े गैंगस्टर या अपराधी या उसके परिवार का सपोर्ट लिया तो ये चुनाव छोड़ दो, अपनी सात पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे, ये सारी बात गांठ मान लेना, ठीक है, इस गांव में सबसे ज्यादा राउंड लगेंगे मेरे और मैडम के, ये बात गांठ मान लीजिए और अपने सभी जो नए प्रत्याशी आए हैं उनको भी बता दीजिए, कोई जरूरत नहीं, विकास के मुद्दे पे लड़िएगा, गांव का और विकास क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उस पे, ये नहीं कि पैसा लेकर के या किसी को धमकी देकर, अपराधी का सपोर्ट मत ले लेना कोई सा भी, गलत हो जाएगा पता चल ही जाएगा, है ना, पता चल ही जाएगा और उसके बाद दिक्कत होगा फिर, है ना, वो हमको लिस्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, वो देख लीजिएगा। अच्छा कम्युनिकेशन प्लान का कितने मजरे हैं यहाँ पे? मैम ये तो एक गांव, एक ही गांव।